नमस्ते, आज मैं 9th क्लास का टारगेट दे रही हूँ साखियाँ। साखियों का फर्स्ट ये साखी है, इसके बारे में आप पढ़ाऊँगी, भाव स्पष्ट करेंगे। आप लोग टारगेट में पढ़कर लिखना। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। कबीर कहते हैं कि ईश्वर प्रेम मानसरोवर की तरह है, वह पवित्र है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम मानसरोवर की तरह है, वह पवित्र है। मानसरोवर में रहने वाले हंस और कहीं जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। हंस कहाँ हैं? पवित्र मानसरोवर में ही रहते हैं, दूसरे नदियों में नहीं जाते, क्योंकि वो मानसरोवर पवित्र नदी है। इसी प्रकार जो लोग ईश्वर प्रेम में लीन हो जाते हैं, लीन बोले तो मगन रहना, खो जाना उसमें, इसी प्रकार जो लोग ईश्वर प्रेम में खो जाते हैं उनका मन कहीं नहीं भटकता है, यानी दूसरे चीज़ों में उनका मन नहीं भटकता। ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल जाए उसे संसार का मोह छू भी नहीं सकता। जिसको ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल जाती वो संसार के सभी चीज़ों से दूर रहता है, उसे कोई चीज़ से प्रेम नहीं रहता है। ये पेज नंबर 3 पे है, पेज नंबर 4 पर सेकेंड वन प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलया न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत होए। कबीर कहते हैं कि ईश्वर प्रेम का स्वरूप है। ईश्वर क्या है? प्रेम का स्वरूप है। वह सभी प्राणियों से प्रेम करता है, यानी ईश्वर ही प्रेम है और ईश्वर क्या है? सभी प्राणियों से प्रेम करता है। उसे पाना है तो प्रेम करना सीखो, यानी अगर ईश्वर को जो पाना चाहते हैं वो सभी प्राणियों से प्रेम करना सीखना चाहिए। मैं प्रेम रूपी प्रभु को खोजने लगा तो कहीं नहीं मिले। कबीरदास जी कहते हैं मैं प्रेम रूपी प्रभु को यानी ईश्वर को खोजने लगा तो वो कहीं पर भी नहीं मिले। जब मैंने अपने भीतर देखा तो वे मुझ में ही मिले। जब मैंने अपने अंदर अपने दिल में देखा तो मुझे मेरे ईश्वर मिल गए। वे मुझे मिल गए तो मेरा सारा मोह भंग हो गया। तो ईश्वर क्या है? जब कबीरदास जी को मिल गए तो वह संसार की सभी चीज़ें सभी सबसे संबंध तोड़ लिए, खाली ईश्वर भक्ति में ही उनका ध्यान रहता था। मेरे सारे अवगुण गुण में बदल गए। कबीरदास जी कहते हैं जो उनके पास बुरे गुण थे वो गुण क्या है? अच्छे गुणों में बदल गए। किसके आने से? ईश्वर के दर्शन होने से। मन पवित्र हो गया, अतः प्रेम से जीवन का विष अमृत हो जाता है। प्रेम से जीवन का विष क्या हो जाता है? यानी जिसे प्रेम करते हैं, जिसे दुश्मनी रहती है, अगर प्रेम से उसे बात भी करे तो क्या बन जाता? वो अमृत के समान बन जाता, अच्छा बन जाता है। इस तरह दोनों भी टारगेट में आप पढ़ के लिखना, ये पेज नंबर 4 पर है। धन्यवाद।